हेलो, दिस इज सोहेब और आप देख रहे हैं maxsound.com की वीडियो। और जैसे कि हर वीडियो में एक नया गैजेट को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, कभी कभी लेंथी वीडियोस बनाता हूँ, कभी कभी शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ जिनमें के हम लोग इंट्रोड्यूस होते हैं जितने भी नए रिकॉर्डिंग स्टूडियो गैजेट्स होते हैं, जितने भी लाइव के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। समटाइम हम लोग लाइव और समटाइम स्टूडियो के इंस्ट्रूमेंट्स पर बात करते हैं। आज जो छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ एक एलिसिस की एक एक्टिव स्पीकर है, स्टूडियो में यूज के लिए बहुत कमाल किस्म का गैजेट है। और मेरे सामने पड़े हुए आप देख सकते हैं इनको, ये है एलिसिस के एलिवेट थ्री है। 3 इंच ड्राइवर में ये जो है ये स्टूडियो मॉनिटर है, स्पीकर है, पावर्ड है। छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसका, ये ड्राइवर है, ये इसका ट्यूटर है, हाइज और लोज और मिड रेंज का काम भी यही कर रहा होता है। और ये एक कैमरा आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएगा। ये एक हेडफोन की ऑप्शन है इसके ऊपर, ये एक लाइट है, ये इसका यहाँ पर एक स्विच दिया होता है इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर। ये स्विच जो है इसको वॉल्यूम को इसको ऑन भी करवाता है, इसकी पावर को भी ऑन करवाता है और इसके अंदर इसके वॉल्यूम को भी कंट्रोल करवाता है। ये तकरीबन अकाई साइज़ में स्पीकर्स बनाए हुए थे इन्होंने, बैक साइड इनके काफ़ी जो है ना थोड़ी सी डेप्थ में बनाते हैं ये लोग। स्पीकर का कमाल यह है कि छोटा सा ड्राइवर होने के बावजूद, इसकी लोज तीन टाइप का भी स्पीकर होने के बावजूद इसका रिजल्ट बहुत कमाल है। ये बैक साइड है इसकी, होल दिया गया एयर के लिए, एलिवेट थ्री राइट स्पीकर मैग्नेटिकली शील्डेड, ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है। ये बेस बूस्ट के लिए ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। 1.1x8 स्टीरियो सब आउट के लिए, सब वूफर को आउट करने के लिए एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, जो बहुत बहुत कम मॉनिटरों में ये वाला फीचर हमें देखने को मिलता है कि ये सब वूफर का आउटपुट दिया हुआ है इसके अंदर। इस स्पीकर को स्पीकर से कनेक्ट करवाने के लिए 3.5mm वायर लगाते हैं, इसको आपस में कनेक्ट करते हैं। ये पावर का केबल लगाने के लिए, और ये इसका सीरियल नंबर है किसी जो कि लिखा हुआ था मॉनिटर के ऊपर। ये RC है, RC लेफ्ट राइट इन करने के लिए इसके अंदर स्टीरियो, उधर से दूसरी तरफ से आप स्टीरियो भी लगा सकते हैं, या फिर 6.35mm मोनो पिन भी आती हैं जो अक्सर हेडफोन के लिए सिंगल साइड के लिए और लेफ्ट राइट के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। RC2 स्टीरियो भी यूज़ कर सकते हैं और मोनो भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये था मेरा एलिसिस का एलिवेट 3 एक्टिव स्पीकर। इसे घर में आप होम थिएटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, स्टूडियोज़ में एक्टिव स्पीकर के तौर पर मॉनिटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो मेरी वीडियोस को देख रही है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से MUX को maxsound को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं सोहेब, और देखते रहिए वीडियोस को, शेयर करते रहिए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अपनी नई वीडियो में एक नए गैजेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।